I welcome you all to today's class. Today is our revision and doubt clearing class. As we have covered DNA structure over lecture 11 lectures, we have covered each and every concept of DNA structure from Leninger and Watson. So today we will just go through everything once more so that the concepts become fresh in your mind. So there will be a revision and doubt clearing class. I hope you all are ready with your doubts, and we will revise it so that tomorrow when you will have your previous year question test and mock test, you can appear those questions properly. So before that, can anyone tell me, am I audible and visible? यस प्रिंसू, गुड इवनिंग. राकेश साहू, यस गुड इवनिंग. सो हम लोग आज शुरू करेंगे डाउट क्लियरिंग क्लास हमारा और रिविजन क्लास. तो सबके डाउट्स सब रेडी करके रखिए, क्योंकि कल शाम को, कल दिन में 2 बजे से पहले, और क्लास है, मैं भूल गई हूँ, एक है शायद 11 बजे, एक है 11 बजे और एक है शायद 1 बजे. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट हम करेंगे. तो हमें आज रिवीजन और डाउट क्लियरिंग क्लास रखना है. ओके, थैंक यू राकेश, थैंक यू. हम प्रोसीड करते हैं. उससे पहले मैं अनअकैडमी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. ये जो हमारा चैनल है अनअकैडमी CSI नेट, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे क्लासेस के बारे में, सारे सेशंस के बारे में पता चलता रहे. जो भी एडुकेटर्स, जो भी क्लास लेने वाले हैं, उनका पूरा पूरा सेशन आपको पता चले. देन आप अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं. सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए जब आप अनअकैडमी के ऐप डाउनलोड करेंगे, लर्नर्स ऐप, तो फिर आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं, SHELL K10. ये यूज़ करने से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा उसकी सब्सक्रिप्शन पे. और सब्सक्रिप्शन दो तरह से हैं, प्लस और आइकॉनिक. प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स से पढ़ने को मिलेगा. उनके साथ में आप इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस कर सकते हैं, मतलब लाइव वो पढ़ाएंगे, आप उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं. फिर सारे सिलेबस को पॉइंट वाइज या अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ नोट्स ऑफ PDF मिलेंगे सारे नोट्स के. और लाइव टेस्ट और क्विज होगा सारे क्लासेस में. क्लासेस के बाद, सारे टॉपिक्स के बाद आप लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं और अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपको कितना, आपकी पढ़ाई कितनी सही तक जा रही है. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको इन सारी चीज़ों के अलावा एक पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग कोच मिलेगा 24/7, जो आपके डाउट को हमेशा क्लियर करेगा. और आपको प्रिपेरेटरी स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी आइकॉनिक खरीदने से. तो आप ये दोनों में से जो सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहें, अगर आप कोड यूज़ करेंगे SHELL K10, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा. और ये सब होगा अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने से. अभी बहुत सारे नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोई से भी नए बैच में एनरोल हो सकते हैं. तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा मौका है. और बहुत सारे और भी एडुकेटर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिनसे आप पढ़ सकते हैं, और ये सारे टॉप एडुकेटर्स हैं इंडिया के CSI नेट के प्लेटफॉर्म पे. फिर आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे कि क्या नया हो रहा है. ये देखिए फिजिकल साइंस के लिए और केमिकल साइंस के लिए. यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल साइंस के लिए. रेशि, यस हेलो, आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग, थैंक यू. तो आपको बहुत सारे और भी नए नए प्लान्स के बारे में पता चलता रहेगा. आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि आप CSI नेट लाइफ साइंस की कैटेगरी है हमारी, आप वो यूज़ चूज़ करके ये गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा. आप इसको क्लिक करके आप अपने चॉइस के हिसाब से 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. खाली आपको SHELL K10 सब सिलेक्ट करने के बाद यूज़ करना है ताकि आपको 10% का ऑफ मिल सके चेकआउट के टाइम में. आप EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं. तो ये सब था अनअकैडमी के बारे में. चलिए अब हम शुरू करते हैं रिवीजन एंड डाउट क्लियरिंग क्लास. सबसे पहले डाउट, किसी को डाउट है अभी तक जो भी हमने पढ़ा, या DNA स्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो पहले मुझे बता दीजिए, फिर मैं एक बार रिवीजन स्टार्ट करूँगी, उसके बाद हम डाउट्स क्लियर करेंगे. आप पहले डाउट बताएंगे या पहले मैं रिवीजन स्टार्ट करूँ? अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ. प्रियंका, गुड इवनिंग,
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू ऑल। तो डाउट्स और रिवीजन आज की क्लास है, डाउट क्लियरिंग एंड रिवीजन क्लास। रिवीजन में सब कुछ शुरू से एक बार देखेंगे, थोड़ा स्पीड में देखेंगे, और डाउट में जिसको जो डाउट होगा वो पूछेगा। प्लस मैंने कुछ चीज़ें आज फिर से नहीं रखी हैं, थोड़ी सी चीज़ें एट द एंड। तो तब तक आप लोग थोड़े डाउट्स अपने निकालिए, हम पहले वो देख लेते हैं नई चीज़ें जो आज थोड़ा सा एक दो कुछ रह गया था लेनिंजर में, तो वो पहले देख लेते हैं। फिर सारी स्लाइड्स मेरे पास हैं, आपको जो स्लाइड में प्रॉब्लम है आप मुझे बोल सकते हैं, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगी दोबारा से, ठीक है। अच्छा, हूज टीन पेयरिंग एक रह गया था हम लोग का, मैं वहां से शुरू करती हूँ। हूज टीन पेयरिंग क्या है वो बोल के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने हूज टीन पेयरिंग के बारे में बोला तो था, लेकिन वो क्लासेस में हमेशा रह जाता था, वो थोड़ा सा रह गया, वो हम शुरू कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, डीएनए कैन अडॉप्ट अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स। अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स मतलब कुछ अजीब से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डीएनए कभी कभी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एक पैलिंड्रोम है, ये डीएनए स्ट्रक्चर में एक पैलिंड्रोम मिला है हमको। पैलिंड्रोम क्या होता है, जो आगे से पीछे से सेम हो, जैसे मलयालम, मलयालम, ये आपने प्लस टू में सबने देखा होगा ये चीज़, प्लस टू की बुक में। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेस पेयर से यहाँ से पढ़ने से टी टी ए जी सी ए सी, यहाँ से भी पढ़ने से टी टी ए जी सी ए सी। तो कभी कभी डीएनए में पैलिंड्रोम्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिपीटेड सिक्वेंसेज होते हैं, जो दोनों तरफ से यहाँ से स्टार्ट करो तो भी वही पढ़ाएंगे रीडिंग में आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी वही रीडिंग में आएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसे पैलिंड्रोम कहते हैं, और पैलिंड्रोम कितना है, किस अमाउंट में है, इसके बारे में पता नहीं है। कुछ कभी कभी ई कोलाई में देखा जाता है, इन वीवो उसके सेल्स में कभी कभी देखा जाता है। फिर एक और टाइप का अनयूजुअल स्ट्रक्चर है मिरर रिपीट। देखिए मिरर रिपीट, यहाँ तो देखिए ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, मिरर रिपीट एक ही स्ट्रैंड में होगा। देखिए यहाँ पे टी टी ए जी सी ए सी, और यहाँ पे देखिए सी ए सी जी ए टी टी, मतलब आप अगर मिरर रख देंगे सामने और यहाँ पे अगर लिखेंगे ए जी सी, आपको पहले मिरर में लिख दिखेगा ना सी जी ए, वैसे ही। तो ऐसे मिरर रिपीट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम जो होता है वो होता है इन्वर्टेड रिपीट बोल सकते हैं, इन्वर्टेड रिपीट ऑफ बेस सीक्वेंस हैविंग टू फोल्ड सिमेट्री। और ये जो मिरर इमेज है ये होता है मिरर रिपीट, ठीक है। मिरर रिपीट इज फॉर्म्ड विद इन द सेम स्ट्रैंड, इट इज़ नॉट फॉर्म्ड इन द कॉम्प्ली, इट इज़ नॉट हैविंग, मतलब मिरर रिपीट कोई कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, वो एग्जैक्ट रिपीटेड सीक्वेंस है एक ही स्ट्रैंड में, है ना। और पैलिंड्रोम क्या है, ऐसे अपोजिट में रीडिंग करने से सेम आता है। देन जो पैलिंड्रोम है और मिरर रिपीट है, ये दोनों एक तरह का आप बोल सकते हैं कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, मिरर पैलिंड्रोम या मिरर रिपीट्स। तो इसके लिए ये चांस है कि ये लोग हेयरपिन या क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर बना सकते हैं डीएनए में, हेयरपिन या क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। हेयरपिन या क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी डीएनए में ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है या कभी कभी ऐसा मिलता है, क्रूसीफॉर्म इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं हेयरपिन स्ट्रक्चर। हेयरपिन स्ट्रक्चर देखिए कैसे बना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक स्ट्रैंड में डीएनए के इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसको बेंड कर दिया जाएगा, ये वाला ऐसे बीच में आ जाएगा और फिर ये और ये दोनों तरफ इस तरह से रहेगा, उनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा, ये एरिया में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये टी ए के साथ बॉन्ड कर गया, ये वाला टी इस ए के साथ बॉन्डिंग कर गया, ये वाला इसके साथ में, फिर ये सी जी के साथ, ये जी सी के साथ, ये टी ए के साथ, इसको बोलते हैं हेयरपिन स्ट्रक्चर। तो जब एक ही स्ट्रैंड इन्वॉल्व होता है तब हेयरपिन बन जाता है, और जब दोनों स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व होते हैं तब ऐसे क्रॉस की तरह स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर। ये देखिए क्रूसीफॉर्म में ये टी और इस ए में बॉन्ड बनेगा, इस ए और इस टी में, इस जी और इस सी में, इस सी और इस जी जी में,
इस जी में, इस सी में, इस टी में, इस ए में। तो क्या होता है, ये मिरर इमेजेस या पैलिंड्रोम्स की वजह से हेयर पिन या क्रूसीफॉर्म्स बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद आता है हूस्टीन पेयरिंग। हूस्टीन पेयरिंग क्या होता है, एक और अलग टाइप का, जैसे पैलिंड्रोम है और मिरर रिपीट है उनकी वजह से हेयर पिन या क्रूसीफॉर्म बन जाते हैं, उसी तरह से एक और अनयूजुअल स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं ट्रिप्लेक्स। हमारा डीएनए क्या है, ड्यूप्लेक्स, लेकिन कभी कभी तीन स्ट्रैंड भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए तो ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, कभी कभी तीन स्ट्रैंड भी मिल जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है। मतलब देखिए यहाँ पर नॉर्मल पेयरिंग क्या है, टी पेयर्स विथ ए, लेकिन देखिए ए के साथ टी ने और एक बाहर से पेयर कर लिया। वैसे यहाँ पर देखिए सी पेयर्स विथ जी और जी के साथ और एक सी ने पेयरिंग कर ली, इसको बोलते हैं हूस्टीन पेयरिंग। और ये वॉटसन क्रिक पेयरिंग के जैसा ही है, ऑफकोर्स जी के साथ सी लगेगा, ए के साथ टी लगेगा, लेकिन ये क्योंकि थर्ड पोजीशन पे आके लग जाता है इसलिए इसको बोलते हैं हूस्टीन पेयरिंग, ठीक है। और जो लगता है, जो नया बेस लगता है उसको बोलते हैं हूस्टीन पेयर, हूस्टीन बेस। इसकी एक क्वेश्चन जो आ सकती है वो क्या है, वो ये है कि जब भी साइटिडीन यहाँ पे लगता है ये साइटोडीन प्रोटीनेटेड होता है, तो अगर सी और जी प्रेजेंट है तो जी के साथ जो सी एक्स्ट्रा बाहर से आके लगेगा तो ये प्रोटोनेटेड होगा, बस यही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी यहाँ पे प्रोटोनेशन की जरूरत नहीं है। तो प्रोटोनेशन कहाँ पे जरूरत है, सी में जरूरत है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा हूस्टीन क्या होता है और क्या उसका मीनिंग क्या है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, ए साइटिडीन रेसिड्यू इफ प्रोटोनेटेड कैन पेयर विद द ग्वानिसाइन रेसिड्यू ऑफ ए सी जी बेस पेयर, अ थाइमिड थाइमिडिन कैन पेयर विद एडिनोसाइन ऑफ एन ए पी टी बेस पेयर, यानी ए टी बेस पेयर, ए डबल बॉन्ड टी बेस पेयर। तो इसको बोलते हैं हूस्टीन पेयरिंग। 1963 में ये निकला था, कार्स्ट हूस्टीन ने निकाला था इसको, यहाँ पे लिखा है कार्स्ट हूस्टीन, बस इतना ही जानना है इसके बारे में और कुछ नहीं, ठीक है। और जिस पोजिशन से वो बाइंड करते हैं यहाँ पे साइटोसिन के जिस एटम ने यहाँ पे बॉन्डिंग की होगी, या थाइमिडिन के जिस एटम ने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में जो इन्वॉल्व हुए होंगे, जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे दो बॉन्ड बने हैं, तो थाइमिन और एडेनाइन के अगर बीच में दो बॉन्ड है तो दो एटम इन्वॉल्व हुए हैं, वैसे एडेनाइन और थाइमिन के बीच में यहाँ पे थर्ड एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो रही है, तो इसके भी दो एटम इन्वॉल्व होंगे, इसके भी दो एटम इन्वॉल्व होंगे, इसके जो दो एटम इन्वॉल्व होंगे उसको कहा जाएगा हूस्टीन एटम्स, बस इतना ही। आपको इतना ही एक्स्ट्रा और जानना है, ये चीज़ें मेरे से रह गई थी अभी तक, मैं बहुत सारा टाइम नहीं होता कभी कभी ऐसे, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ पहले, फिर डाउट पूछेंगे, या पहले रिवाइज करेंगे और डाउट पूछेंगे, आप लोग बताइए, या शुरू करें, रिवाइज से शुरू करते हैं। ये एक्चुअली मैंने इसको रब नहीं किया, ये रह ही गया है, तो ये ऐसे ही रहेगा, हम नया नया अभी लिखेंगे। तो रेशिया, आई वॉज वेटिंग फॉर योर क्लास, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। तो अभी हम रिवाइज करते हैं एक बार, मैं दूसरा पेन का कलर ले लेती हूँ, ठीक है। हमने क्या सबसे पहले क्लास में देखा था कि जो शुगर होता है डीएनए में, वो शुगर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोस हमने ये देखा था। डी ऑक्सीराइबोस का मतलब क्या होता है, कि राइबोस का मतलब क्या होता है, राइबोस का मतलब होता है एक ऐसा टाइप का सिंपल कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वही ओज में एंड होते हैं, तो एक राइबोस का मतलब हो गया एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल मतलब या तो वो मोनोसैकेराइड होगा नहीं तो डाइसैकेराइड होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड डायरेक्ट बोल सकते हैं, नहीं तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे जो शुगर है दैट इज राइबोस शुगर, दैट मीन्स इट इज हैविंग एन ओज एट द एंड, एंड मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स ओनली एंड विथ ओज, तो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के नाम में ओज होता है, बाकी किसी के नाम में ओज नहीं होता है। अगर आपने राइबोस देखा तो इसका मतलब आपको ये जान लेना है कि या तो ये मोनोसैकेराइड है नहीं तो डाइसैकेराइड। सबसे पहली बात क्या, कि जो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है दैट इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। फिर राइबोस का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला स्लाइड नहीं है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुगर के नाम होते हैं, जैसे कि ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस एंड हेक्सोस, हेप्टुलोस, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे
कार्बोहाइड्रेट्स के नाम होते हैं, किसके, मोनोसैकेराइड्स के। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। ये एक मोनोसैकेराइड है, तो इसमें कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये एक पेंटोज है, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे उनको अलग अलग नाम दिया गया है। देन नेक्स्ट, और क्या, कौन सा टाइप का हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और कीटोन या कीटोन है, इसके बेसिस पे भी नाम होते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है एंड 5 कार्बन एटम है तो क्या नाम होगा, एल्डिहाइड विथ 5 कार्बन एटम्स। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और कार्बन एटम्स 5 है, तो इसको क्या नाम देंगे, पेंटोस या राइबोस। पेंटोस को राइबोस भी कहा जाता है। या राइबुलोस कब बोलेंगे, राइबुलोस तब बोलेंगे जब 5 कार्बन एटम होगा और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 5 कार्बन एटम है तो नाम बदल जाएगा, उसे कहा जाएगा राइबुलोस। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और 5 कार्बन एटम है तो उसे कहा जाएगा राइबोस। उसी तरह से पेंटोस को राइबोस कहा जाता है। हेक्सोस, हेक्सोस के एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज एक टाइप का ऐसा हेक्सोस है जिसमें 6 कार्बन एटम है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह से फ्रुक्टोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 6 कार्बन एटम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक है। तो हमें राइबोस वर्ड से क्या पता चला, राइबोस वर्ड से हमको ये पता चला कि डीएनए में जो शुगर है दैट इज हैविंग 5 कार्बन एटम्स अलोंग विथ एल्डिहाइड एज द फंक्शनल ग्रुप, इतना पता चल गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो भी शुगर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए 2D स्पेस में उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम दो, वैसे तो 3 तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 डिस्कस किए थे। क्या क्या, फिस्चर प्रोजेक्शन एंड हावर्थ प्रोजेक्शन। ये एक फिस्चर प्रोजेक्शन है और ये एक हावर्थ प्रोजेक्शन है, 2D स्पेस में ड्रॉ करने के लिए इन चीजों को। और होता है चेयर फॉर्म, बस ये 3 तरह से शुगर्स को ड्रॉ किया जाता है, फिस्चर प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन एंड चेयर प्रोजेक्शन। तो ये 3 तरह से हम शुगर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिस्चर प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो फिस्चर प्रोजेक्शन में कार्बन एटम्स को इस तरह से किया जाता है ड्रॉ, और ये जो एटम होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग अगर पेपर पे हम सोचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो सारे कार्बन एटम्स को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो जो बॉन्ड्स, 2 तरह के बॉन्ड्स होंगे, एक तो होगा वर्टिकल, एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड हुआ, ये वर्टिकल बॉन्ड हुआ, तो जो वर्टिकल बॉन्ड होगा वो होगा विद इन पेपर, मतलब वो बॉन्ड पेपर के अंदर है। क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए 3 तरह से ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ बॉन्ड्स कहीं पे आपने देखे होंगे ऐसे, कुछ होंगे ऐसे और कुछ होंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये पेपर के अंदर है और जो वर्टिकल बॉन्ड्स है ये पेपर के बाहर आ रहे हैं, तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं सी ओ एच एच, मतलब ये दोनों बॉन्ड पेपर से उठ रहे हैं, मतलब अगर ये कार्बन है तो सी ओ एच ऐसे हो रहा है। अब नेक्स्ट जो उसके नीचे कार्बन है, ये जो कार्बन है ये अंदर की तरफ है, तो हम इसकी जगह पे ऐसे डॉट डॉट यूज करेंगे। ये था हमारा फिस्चर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला 2D स्पेस में किसी भी शुगर को ड्रॉ करने के लिए। हावर्थ को ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, हमें हावर्थ इस तरह से ड्रॉ करना है और इसमें ये तीनों बॉन्ड पेपर के ऊपर है, यहाँ पे वेज है, इसको वेज बोलते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड पेपर के ऊपर है, अगर पेपर होगा तो ये आउट ऑफ द प्लेन है, पेपर के ऊपर नहीं, आउट ऑफ द प्लेन, विद इन द प्लेन बोल सकते हो, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये टुवर्ड्स द रीडर है, ये हमारी तरफ है ये बॉन्ड्स, और इस तरह से ड्रॉ किया जाता है हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन होता है 2 तरह से, क्या क्या, पायरन फॉर्म होता है, एक फ्यूरान फॉर्म होता है। पायरन फॉर्म 6 कार्बन रिंग होता है, फ्यूरान फॉर्म 5 कार्बन रिंग होता है। तो ये देखिए ये एक 6 कार्बन रिंग है तो ये एक पायरन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर पायरन नाम का एक 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे सिमिलर है। अब ये देखिए यहाँ पे 5 कार्बन रिंग है, 1, 2, 3,
4, 5, इसमें भी क्या है 1, 2, 3, 4, 4 रिंग जो है वो 4 कार्बन एटम्स रिंग बना रहा है, ये जो है इट इज अ फ्यूरान, तो इट इज अ फ्यूरान रिंग और इसको हम बोलेंगे फ्यूरानोस, इसको बोलेंगे पायरानोस, ठीक है। तो अब राइबोस को हमें फिस्चर से हावर्थ में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट चेन से यानी फिस्चर प्रोजेक्शन से, यानी स्ट्रेट चेन से हमें रिंग में कन्वर्ट करना है। रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा, तो कायरल एटम का मीनिंग मैंने समझाया था, कायरल एटम मतलब जो डिफरेंट फोर डिफरेंट ग्रुप से जो अटैच होते हैं उनको बोलते हैं कायरल एटम। यहाँ देखिए ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम जो है ये एटम एक सी के साथ अटैच्ड है, एक एच के साथ, एक ओ एच के साथ और एक इसके साथ, इस ग्रुप के साथ। ये वाला जो कार्बन एटम है ये किसके किसके साथ अटैच्ड है, देखिए इसके साथ ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ, ये एक ग्रुप हुआ और ये एक ग्रुप हुआ, इस तरह से ये चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये एक कायरल कार्बन हुआ। उसी तरह से यहाँ भी देखिए सब जगह मैंने कायरल ड्रॉ किया, इसको रब कर देते हैं। कायरल कार्बन के बारे में मैंने पढ़ाया था, कायरल कार्बन क्या होता है, तो द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद फोर डिफरेंट कार्बन एटम्स, फोर डिफरेंट एटम्स। देखिए ये वाला कार्बन जो है वो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, सॉरी एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, तो चार ग्रुप से अटैच्ड हुआ, ये भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो फिस्चर से हावर्थ को प्रोजेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है ये क्या है, एक कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, भले वो कीटोन का हो, एल्डिहाइड का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी होने से उसे कहा जाएगा एक कार्बोनिल कार्बन। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन है या कार्बोनिल कार्बन है। इससे जो फार्देस्ट कायरल कार्बन होगा उसका ऑक्सीजन, उसका जो OH होगा वो अटैक करेगा उसके कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा कायरल कार्बन है, इसका फार्देस्ट ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है हमारा, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, इससे फार्देस्ट कायरल कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये कायरल नहीं है क्योंकि ये 2H से अटैच्ड है, फिर एक OH से अटैच्ड है और फिर ये ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हमारा कायरल कार्बन नहीं है। तो ये हमारा कायरल कार्बन है, ये इसका कायरल कार्बन का ये जो ऑक्सीजन है इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस विल अटैक द हमारा कार्बोनिल कार्बन। अब ये कार्बन की टेंडेंसी हो गई 5 बॉन्ड्स बनाने की, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो H है ये इससे दूर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने इस पर अटैक कर दिया और ये H प्रोटोनेट डी प्रोटोनेशन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये H इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा एज अ प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि O और H के बीच में वैसे भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो O के बगल में था, तो ये डेल्टा नेगेटिव था, ये डेल्टा पॉजिटिव था, वैसे भी H वॉज लूजली अटैच्ड एंड इट वॉज रेडी टू गेट डी प्रोटोनेटेड एनी टाइम। अब ऊपर से इसके लोन पेयर ने अटैक कर दिया, तो अब ये वाला O इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है और इस कार्बन की 5 के साथ में बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आ गई है, 1, 2, 3, 4, 5, तो जो H है वो डीप्रोटोनेट होके वहाँ से हट जाएगा, अभी हट जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, ये वाला O इस C के साथ में बॉन्ड कर लेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इसके ऊपर चला जाएगा एज नेगेटिव चार्ज और ये O इस डीप्रोटोनेटेड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा। अब जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा दिखेगा, COH, यहाँ पे C ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया और ये वाला H मैंने यहाँ लिखा है COH H C C C O, दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड एंड दिस इज CH2OH। अब देखो इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर साइक्लाइजेशन और इस O से अब हमें फिस्चर से हावर्थ कन्वर्ट हुआ है तो इस O से हावर्थ का कन्वर्जन होगा, तो इस वाले O को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हो गया कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये अगर O है तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो कार्बन नंबर ये जो O है वो किससे किससे अटैच्ड है, 1 और 4 से 1 एंड 4, बाकी के 2, 3 बीच में है 2, 3, फिर 5,
5 यहाँ है। इस तरह से हमने फिस्चर से हावर्थ को कन्वर्जन किया था। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, फिस्चर में जो भी ग्रुप्स राइट में है, हावर्थ में वो सारे ग्रुप्स को नीचे ड्रॉ करना है। तो राइट डाउन लेफ्ट अप, जो भी चीज़ें फिस्चर में डाउन राइट की तरफ हैं वो जब हावर्थ में आएंगी उन्हें नीचे लिखा जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम किसकी किसकी है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 की, क्योंकि देखिए यहाँ पे राइट लेफ्ट कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना यहाँ पे राइट लेफ्ट कुछ समझ में आ रहा है ना। तो कार्बन नंबर 1 जो है उसकी प्रॉब्लम और लास्ट वाली प्रॉब्लम रही जाती है। तो जो कार्बन नंबर 1 है उसके लिए अलग रूल निकालते हैं। क्या, जो कार्बन नंबर 1 होता है जब वो फिस्चर प्रोजेक्शन में आता है उसे कहा जाता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन का अगर, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट था, तो अब इसका ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, तो जब मैं इससे बनाऊंगी फिस्चर प्रोजेक्शन, डिलीट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये है हमारा कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे अब है, इसको हटा देते हैं, अब है OH, यहाँ पे क्या है एक ही बॉन्ड है। इसका OH अगर ऊपर हुआ और H नीचे हुआ, कार्बन नंबर 1 का, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ पे ड्रॉ किया गया, OH ऊपर हुआ और H नीचे हुआ तो उस केस को कहा जाएगा बीटा। अगर H ऊपर हुआ OH नीचे हुआ तो उसे कहा जाएगा अल्फा। और एक चीज़ कर सकते हैं कि जो फिफ्थ कार्बन का OH और फर्स्ट कार्बन का OH अगर सिस फॉर्म में है, एक ही प्लेन में है, तो वो हो गया बीटा। अब ये OH नीचे होता तो क्या होता, ट्रांस हो जाता, तो वो हो जाता अल्फा। तो ये हो गया हमारा फिस्चर प्रोजेक्शन में अल्फा और बीटा का यही मीनिंग है। कार्बोनिल कार्बन का अल्फा होने से H ऊपर OH नीचे, बीटा होने से OH ऊपर H नीचे, फर्स्ट कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन का। अब फिफ्थ कार्बन का हम क्या करेंगे, क्योंकि फिफ्थ कार्बन का CH, COH, H, H कोई ऐसे ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसे लिख सकता है, कुछ भी तरीके से हम लिख सकते हैं ना ऊपर ये फिफ्थ कार्बन का तीन आइटम्स हैं, कोई राइट लेफ्ट हम लिख नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे राइट डाउन और लेफ्ट अप वाला रूल नहीं लगेगा। तब क्या रूल लगेगा, तब ये रूल लगेगा कि हमेशा स्ट्रेट चेन में जो फार्देस्ट कायरल कार्बन है उस कार्बन का जो हमेशा स्ट्रेट चेन में देखिए मैं इसका इंटरमीडिएट बनाती हूँ, पहले इसका इंटरमीडिएट बनाना ज़रूरी है। कहाँ बनाएं, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए इसका इंटरमीडिएट बनाती हूँ, ठीक है, CH O C, ये कार्बन नंबर 1 है, 2, 3 हम यहाँ तक पहुँच गए, 4, 5 ठीक है। तो ये 4 था, ये 4 है, इसका O इसके साथ बॉन्ड किया है, ठीक है ना। अगर फार्देस्ट कायरल कार्बन जो है, फार्देस्ट कायरल कार्बन उसका OH राइट में है और H लेफ्ट में है, उसे ओपन चेन में कहा जाएगा डी शुगर, कोई भी डी, जैसे ये डी पेंटोज है या डी राइबोज है, तो ये डी राइबोज है, या तो फिर ग्लिसराइल डिहाइड, ये एक फॉर्मूला है, नहीं तो आप ग्लिसराइल डिहाइड से कंपेयर कर लीजिए। ग्लिसराइल डिहाइड 3 कार्बन कंपाउंड है, उसका अगर मिडिल वाला या उसका जो कायरल कार्बन है उसका OH राइट में है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हम कार्बन ग्लिसराइल्डिहाइड से कंपेयर करेंगे तो ग्लिसराइल्डिहाइड का क्योंकि ये OH राइट में है, तो उस मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल को हम कंपेयर कर रहे हैं उसका जो फार्देस्ट कायरल है उसका OH अगर राइट में होगा तो उसे डी कहेंगे, अगर उसका OH लेफ्ट में होगा तो ग्लिसराइल्डिहाइड से मैच नहीं करेगा तो उसे कहा जाएगा एल। ये बात याद रखिए, ये फिस्चर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, फिस्चर प्रोजेक्शन में डी और एल आता है, ठीक है। फिस्चर से ये हावर्थ बन रहा है, तो जो भी शुगर नेचुरली प्रेजेंट है मैक्सिमम, ऑल आर डी शुगर्स, ये बात याद रखेंगे, अमीनो एसिड्स ऑल आर एल अमीनो एसिड्स, ये बात याद रखेंगे। तो ये जो डी शुगर है इसका जो OH राइट में है, इसका OH राइट में है, इसके लिए CH2OH, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट हुआ तो ये हमारा यहाँ पे है ना ये हमारा CH2OH, तो CH2OH और यहाँ पे क्या हो गया H, ये फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फोर्थ कार्बन का H नीचे लिखाएगा
ओ तो यहाँ पे है ही, देखिए ये ओ तो यहाँ है ही, और सी एच टू ओ एच जो है वो ऊपर लिखाएगा, सी एच टू एच ऊपर लिखाएगा हमेशा, ये बात याद रखेंगे। तो डी कार्बन का, डी ग्लूकोज का सी एच टू एच ऊपर होगा, और अगर सी एच टू एच ऊपर होगा और फर्स्ट कार्बन का ओ एच उसके जैसा होगा तो वो बीटा होगा, उससे अपोजिट होगा तो अल्फा होगा। तो जो भी शुगर कार्बो डीएनए में प्रेजेंट है दे ऑल आर बीटा डी टाइप्स, मतलब वी हैव द शुगर इन डीएनए एज बीटा डी शुगर। व्हाट इज बीटा डी शुगर? बीटा मतलब हो गया एनोमेरिक कार्बन का ओ एच ऊपर, और डी मतलब हो गया सी एच टू एच फिफ्थ कार्बन का फिफ्थ कार्बन सी एच टू एच भी ऊपर। हो गया, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ये हो गया सबको क्लियर? एक मैसेज कर दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सबको क्लियर हो गया है। क्या ये सबको क्लियर हो गया है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? क्या ये सबको क्लियर हो गया है? क्या ये सबको क्लियर हो गया है? बोलिए, जल्दी बोलिए। क्या ये सबको क्लियर हो गया है? हाँ, क्या ये सबको क्लियर हो गया है? बोलिए, देखिए मैं यहाँ पर राइबोस का स्ट्रेट चेन बना रही हूँ और इसको फिर हावर्थ में प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है? ये फिर हावर्थ में कन्वर्ट होगा। OH ऊपर H नीचे क्योंकि ये बीटा है, और सी एच टू ओ एच ऊपर एच नीचे क्योंकि ये डी है। तो बीटा डी राइबोस शुगर होता है डीएनए में यूज। सेकेंड कार्बन में एच और एच ही रहता है, एच और ओ एच नहीं होता है, ओ एच नहीं होता है। इसके लिए इसका नाम है बीटा डी डी ऑक्सी राइबोस। इस तरह से हमने इन चीज़ों को क्लियर किया था। फिर हमने क्या देखा था? फॉस्फोरिक एसिड इज द लिंकर मॉलिक्यूल, इसकी वजह से ही डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, ठीक है? लिंकर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच ओ एच। इट हैज थ्री प्रोटोन, थ्री आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो ये तीनों हाइड्रोजन एटम्स को ये डोनेट कर सकता है, इसके लिए ये आसानी से एक लिंकर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक शुगर है, यहाँ पे रेड से यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक शुगर है और इसका देखिए ये फर्स्ट कार्बन हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ। थर्ड कार्बन का जो ओ एच है वो इस फॉस्फोरिक एसिड के एच के साथ में वाटर बना के निकल गया। वैसे यहाँ पे देखिए ये जो एच है ये फिफ्थ कार्बन के ओ एच के साथ वाटर बना के निकल गया। तो यहाँ पे दो जगह पे ईस्टर बॉन्ड क्रिएट हुआ। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे देखिए ये एक ईस्टर बॉन्ड क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक ईस्टर बॉन्ड क्रिएट हुआ। इसके लिए जो ये ईस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना इसका नाम है थ्री प्राइम से फाइव प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब थर्ड कार्बन इन्वॉल्व हुआ और फिफ्थ कार्बन इन्वॉल्व हुआ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। और ईस्टर क्या है ये सब मैंने बताया था, वो सब अब डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजेनियस बेसिस कितने तरह के हैं? प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स दो तरह के हैं। जो प्यूरिन्स हैं उनके एग्जाम्पल हो गए एडेनाइन ग्वानाइन, जो पाइरिमिडिन है उनके एग्जाम्पल हो गए साइटोसिन यूरासिल थाइमिन। जो प्यूरिन एडेनाइन और ग्वानाइन एग्जाम्पल है उनका सिंगल रिंग डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और जो पाइरिमिडिन है वो तीन एग्जाम्पल है लेकिन उनका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब प्यूरिन जो सिंगल दो ही एग्जाम्पल है उनके डबल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका जो जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है, जो एटम इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए वो है N9। तो प्यूरिन का दो ही एग्जाम्पल है, दो रिंग इन्वॉल्व होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, और N9 वाला जो
नाइन्थ पोजीशन में जो नाइट्रोजन है उसका एच जाता है, और ओएच का ओएच जाता है शुगर का कार्बन नंबर वन का ओएच, और एच कार्बन नंबर वन का ओएच, और इसका एच चला जाता है वाटर मॉलिक्यूल बन के, और इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फिर पाइरिमिडिन का ऐसे ही होता है, तीन ही एग्जाम्पल है, एक ही रिंग स्ट्रक्चर है, और ये रिंग स्ट्रक्चर का कौन सा कार्बन जाता है तो N1 जाता है। ये सब हमने देख लिया था। तो उसके बाद हमने सीखा था कि नंबरिंग कैसे की जाती है। तो एडेनाइन एक पहला प्यूरिन है जिसका हमारा कॉमन नेम है 6-अमीनो प्यूरिन, और 6-अमीनो प्यूरिन का मतलब है 6th पोजीशन में अमीनो ग्रुप है, 6th पोजीशन में अमीनो ग्रुप है, और नंबरिंग शुरू होती है इस नाइट्रोजन से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, इस तरह से नंबरिंग होती है, और नंबरिंग का डायरेक्शन ऐसा है यहाँ पे। वैसे ग्वानिन का कॉमन नेम है या केमिकल नेम है 2-अमीनो-6-ऑक्सो-प्यूरिन, ये ध्यान देंगे, 2nd पोजीशन में अमीनो ग्रुप है और 6th पोजीशन में ऑक्सो ग्रुप है। ऑक्सो मतलब कार्बोनिल कार्बन आइटम को ही ऑक्सो कार्बन कहा जाता है। मैम फिस्चर में ऊपर कौन सा फंक्शन ग्रुप है कैसे पता करेंगे? उत्कर्ष, हाँ उत्कर्ष, गुड इवनिंग। वाई क्या क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? अच्छा प्रियंका, मैम फिस्चर में ऊपर कौन से फंक्शनल ग्रुप है कैसे पता करेंगे? कैसे बेटा, फिस्चर में तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, फिस्चर में तो राइट लेफ्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये राइट है, ये सारे लेफ्ट है। आपको ये याद रखना है कि फिस्चर में जो भी राइट में है हावर्थ में वो डाउन होगा, ऐसे याद रखे, रोड याद रख लीजिए वर्ड, रोड जो राइट में है वो डाउन होगा। तो देखिए यहाँ पे इस वाले कार, मैं एक यहाँ पे फिस्चर प्रोजेक्शन बनाती हूँ, एक्चुअली खाली स्लाइड मुझे चाहिए अच्छा सा बना के दिखाने के लिए आप लोग को। रुकिए कहीं पे ढूंढते हैं, यहाँ पे देखते हैं, एक मैं राइबोज बनाती हूँ, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, थ्री, फोर, फाइव, इसका ये एच, ये एच, ये ओ एच, है ना, इसका ओ एच, एच, ओ एच, एच, ओ एच, एच, ठीक है। अब जो फार्देस्ट कायरल होगा, ये फार्देस्ट कायरल है, ये कायरल नहीं है क्योंकि ये दो ग्रुप सेम है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, ठीक है। प्रियंका, यस मैम, ऊपर एल्डिहाइड है या कीटोन, ये कैसे पता करेंगे? बेटा फिशर प्रोजेक्शन में आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, इसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप है और ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन ग्रुप नहीं है, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, एक सेकेंड रुको, मैं रब करती हूँ पहले, इसको रब करती हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्डो एच, ये कीटोन ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्डो आर डैश। तो यहाँ पे देखिए, हमेशा याद रखेंगे फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप कार्बन को सबसे कम लीस्ट नंबर दिया जाता है जब नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन यहाँ पर आर हो गया, ये वाला ये आर है, आर मतलब कुछ भी हो सकता है, कई बार सारी जगहों पर आर मतलब होता है एक ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, कहीं पर होता है आर का मतलब हाइड्रोजन, ऐसे आर का मतलब बदलता रहता है, ग्रुप डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल के आर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर का मतलब हो गया ये, सी डबल बॉन्ड ओ है और एच है, तो ये हो गया एक एल्डिहाइड कंटेनिंग शुगर, ठीक है। अब यही कीटोन अगर होता तो क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कीटोन क्या है, आर आर डैश, ठीक है, तो सी ओ एच एच, सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी ओ एच एच, फिर सी ओ एच एच, एक दो तीन चार पाँच, एच एच ओ एच। देखिए ये कीटोन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, सॉरी कीटोन कंटेनिंग शुगर है। देखिए यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, आर सी डबल बॉन्डो आर डैश है या आर सी डबल बॉन्डो एच है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड था, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड था, लेकिन इस सी डबल बॉन्ड के साथ में एच लगा हुआ है,
लेकिन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड के साथ में एच नहीं है, इस सी डबल बॉन्ड के साथ में ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप हो गया आर डैश, ये हो गया आर, या ये आर है ये आर डैश, आपकी मर्जी, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया प्रियंका? समझ में आया? अब समझ में आया ना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मैम कुछ और ग्रुप के एग्जाम्पल बता दीजिए, जैसे कि एक और है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हमारा एसिड है। शुगर्स में सिर्फ दो ही फंक्शनल ग्रुप होते हैं, या तो एल्डिहाइड होता है नहीं तो कीटोन होता है, ये बात याद रखेंगे। इसलिए हम जो शुगर्स है उनका डेफिनेशन लिखते हैं, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये मैंने पहली क्लास में बताया था, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH होना, और या तो एल्डिहाइड होगा फंक्शनल ग्रुप नहीं तो कीटोन होगा, दोनों नहीं होगा, और हमेशा एल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन में रहेगा और कीटोन सेकेंड कार्बन में रहेगा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ही वैसा है। ठीक है, एक और फंक्शनल ग्रुप हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये कहीं और प्रेजेंट होगा, जैसे कि हमारा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये क्या है? एक एसिटिक एसिड है। ये एसिटिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कैसे सर्च करेंगे? देखो सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, नहीं तो ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं। ये ओ OH है, यहाँ पे ओ OH है, ये आर की जगह पे यहाँ पे सी एच थ्री है, तो ये एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे आर ओ OH, ये एक अल्कोहल ग्रुप है, जैसे कि हम अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ना सी ओ OH, एच, तो ये वाला अल्कोहलिक पोर्शन है। उसी तरह से हमारा हो गया आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये एक ईथर है। ईथर हमने देखा था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में ईथर होता है, सॉरी ईथर बोल रही, ईस्टर, ईस्टर कहाँ चला गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ पे ईस्टर मॉलिक्यूल है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, सर्च करते हैं, ये एक ईस्टर मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर यहीं पे सी की जगह पे फॉस्फोरस हो जाएगा तो आर पी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश और यहाँ पे ओ OH एच चाहिए, तो ये हो जाएगा फॉस्फो ईस्टर ग्रुप। ये अभी ईस्टर ग्रुप है, अब ये फॉस्फो ईस्टर ग्रुप है। मैम कीटोन का एक बार फिर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए आर पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ आर डैश, तो देखिए यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ, तो देखिए यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ ओ, एक ये ईस्टर हुआ, फिर पी डबल बॉन्ड ओ ओ और एक ईस्टर हुआ, पी डबल बॉन्ड ओ फिर ओ, यहाँ पे देखिए पी डबल बॉन्ड ओ ओ, यहाँ पे दो ईस्टर ग्रुप्स हैं, है ना। अब आप आर और आर डैश किसी को भी दे सकते हैं, ओ एच यहाँ है, आप इसको आर डैश बना सकते हैं, इसको आर, अपनी इच्छा से, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, दो ईस्टर ग्रुप्स हैं। ठीक है, हो गया। कीटोन देखिए, कीटोन है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये कीटोन है हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये हो गया ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, आर ओ एच ये अल्कोहल हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी हाँ आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हो गया एल्डिहाइड। तो कीटोन का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था ना हमने, चलो मैं फिर से बना देती हूँ, सी ओ एच एच सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ तो है, आपको यह पता है कि शुगर्स में या तो एल्डिहाइड होता है नहीं तो कीटोन होता है, तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन सर्च करना है। एल्डिहाइड में आर सी डबल बॉन्ड ओ एच होना ज़रूरी है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एक एच और एक आर होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आर तो है लेकिन सी डबल बॉन्ड ओ के साथ एच नहीं लगा है, तो ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है, क्योंकि कीटोन क्या है हमारा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश, ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, ये आर है, ये आर डैश, आपकी इच्छा, आप किसी को भी आर या किसी को भी आर डैश समझ सकते हैं। आर का मतलब हो गया ए बिग ऑर्गेनिक फ्रैगमेंट, कहीं पे आर का मतलब एच भी होता है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आर का मतलब क्या होगा। क्या हुआ प्रियंका, समझ में आया? ठीक है ठीक है। उत्कर्ष क्यों आपने वाई बोला था, कुछ डाउट था क्या आपको? एनीवे अब समझ में आया आपको प्रियंका, एम आई क्लियर? प्रियंका एम आई क्लियर? ठीक है,
ठीक है? तो एम आई क्लियर प्रियंका? ओके थैंक यू। फिर हमने फंक्शनल ग्रुप्स के स्ट्रक्चर देखे, सॉरी हमने नाइट्रोजीनियस बेसिस के स्ट्रक्चर्स देखे थे, यूरासिल थायमिन सबके स्ट्रक्चर देखे थे, तो उनका नंबरिंग सीखा था हमने। तो जैसे ये पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन का नंबर हमेशा बेस नाइट्रोजन से शुरू होता है और वो इस तरह से चलता है, तो आपको याद रखना है कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर नंबरिंग चलता है। और पिरिमिडिन ये है, तो यूरासिल का अल्टरनेट नाम क्या है? 2,4-dioxypyrimidine। मतलब क्या है कि जो पिरिमिडिन है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा इसके पास 2,4-dioxy रीजन्स भी है। 2,4-dioxy मतलब क्या होता है? सेकेंड पोजिशन में देखो यहाँ पे एक ऑक्सो ग्रुप है और फोर्थ पोजिशन में देखो ऑक्सो ग्रुप है। मतलब जो यूरासिल है उसके सेकेंड पोजिशन में ऑक्सो है और फोर्थ पोजिशन में ऑक्सो है। इसके अलावा इसके सब चीज़ें पिरिमिडिन से मैच करती हैं, इसलिए यूरासिल का दूसरा नाम है 2,4-dioxypyrimidine। उसी तरह से सबके दूसरे नाम मैंने बताए थे आपको। साइटोसिन का नाम है दूसरा 4-amino-2-oxopyrimidine। देखिए ये पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है? 4-amino-2-oxo, मतलब सेकेंड पोजिशन में ऑक्सो ग्रुप है, फोर्थ पोजिशन में अमीनो ग्रुप है। तो ये इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसका इसके साथ मैच करता है, तो ये एक साइटोसिन है। ठीक है, इस तरह से सबके नाम अलग अलग मैंने बताए थे और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। थायमिन का अलग नाम है 5-methyl यूरासिल। देखिए फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है और यूरासिल के साथ सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन फिफ्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो थायमिन का दूसरा नाम है 5-methyl यूरासिल। इस तरह से नाइट्रोजीनियस बेसिस देखे थे, उनका स्ट्रक्चर देखा था, उनको नंबर करने का तरीका सीखा था और उनका अल्टरनेट नेम देखा था। उसके बाद हमने देखा था हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, विच इज अटैच्ड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैन हाइड्रोजन, दैट इज इट इज आइदर अटैच्ड विथ ओ, एन और एफ, एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल शुड हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही, ये दो ग्रुप का हमने देखा था। ऑक्सो क्या है बेटा? ऑक्सो सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं, इसी को कार्बोनिल भी कहते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी एक कार्बोनिल कार्बन बोल सकते हैं, नहीं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ को ऑक्सो भी कहते हैं। ऑक्सो मतलब हो गया सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हमने तरीका सीखा था, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो एक के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, विच इज अटैच विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और दूसरे के पास सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना जरूरी है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। कहाँ कहाँ बन रहे देखिए, ग्वानिन का 6th ऑक्सो और साइटोसिन का 4th अमीनो, है ना, 6th ऑक्सो 4th अमीनो, आपको ये पोजिशंस याद रखना है। फिर देखिए ग्वानिन का कौन सा? 1st अमीनो, 1st NH, और साइटोसिन का क्या? 3rd नाइट्रोजन। उसी तरह से ग्वानिन का देखिए 2nd अमीनो और साइटोसिन का 2nd ऑक्सो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिस जहाँ जहाँ बन रहा है उनकी कैटेगरी देख लेते हैं, क्या वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में और इसके बीच में। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल NH, ये हमारा अगर A है, इसमें देखिए H है प्रेजेंट और दैट इज अटैच्ड विथ अ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये एक मॉलिक्यूल सही है जो चूज हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। अब ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी। लेकिन क्या दूसरी जगह पे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा? जैसे कि जैसे समझ लेते हैं, इस नाइट्रोजन का और इस ऑक्सीजन, इस कार्बन का क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के पास ही हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड 3 इसलिए बनता है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, क्योंकि 3 पोजीशंस में ये वाला जो अरेंजमेंट है वो मिलता है। ए और बी के बीच में 3 जगहों पर हाइड्रोजन है और या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कोई सा, तो 3 जगहों पर फेवरेबल सिचुएशंस होते हैं इसलिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ए और टी के बीच में 2 ही जगह पे फेवरेबल पोजीशंस है इसलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं।
इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बनाना सीखा था। फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखिए, फर्स्ट कार्बन शुगर का अटैच इन्वॉल्व है और नाइट्रोजनियस बेस का प्यूरिन का N9 इन्वॉल्व होता है, पाइरिमिडिन का N1 इन्वॉल्व करता है। देखिए ये एक पाइरिमिडिन एक प्यूरिन है, ये N9 है, इसका H और इसका OH वाटर बन के निकल गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया। और N बीटा क्यों बोलेंगे, क्योंकि N बीच में रह जाता है, देखिए यहाँ पर HOH चला गया, ये वाला N यहाँ रह गया, इसलिए N। और बीटा क्यों, क्योंकि जो शुगर था उसका OH ऊपर था, ठीक है, तो N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने सिखाया था कि जब भी नाइट्रोजनियस बेस अकेला होगा तो उसका नाम एडेनाइन हुआ, ग्वानाइन, साइटोसिन, ये नाम का मतलब है कि नाइट्रोजनियस बेस अकेले हैं। अगर एडिनोसाइन कह रहे हैं मतलब आपको जानना होगा कि वो शुगर के साथ नाइट्रोजनियस बेस प्रेजेंट है इस फॉर्म में, इस तरह से शुगर है नाइट्रोजनियस बेस। अब अगर एडिनाइलेट कहा जा रहा है मतलब शुगर और नाइट्रोजनियस बेस के साथ में फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था वॉटसन क्रिक पेयरिंग क्या होती है, पैरेलल एंटी पैरेलल क्या होता है, 5' 3' क्या होता है, ये देखा था। फिर हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होता है, डबल हेलिक्स स्टेबलाइज होती है, लेकिन डबल हेलिक्स को हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा भी बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन जो होता है वो स्टेबलाइज करता है। ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आपको, बेस स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या होता है, वैन डर वाल्स, बेस स्टैकिंग का मतलब यहाँ पे है वैन डर वाल्स इंटरैक्शन एंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये दोनों की वजह से, एंड हाइड्रोफोबिक, ये तीनों की वजह से हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नहीं, वैन डर वाल्स, डाइपोल डाइपोल एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, ये मैं समझा चुकी थी बहुत डिटेल में। देन हमने देखा शुगर पकरिंग, शुगर पकरिंग में क्या देखा था हमने, शुगर पकरिंग में देखा था कि जो जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पोर्शन टुवर्ड्स द रीडर होता है, अबव द प्लेन होता है, और ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये शुगर है, HOH ऐसे होगा, HOH ऐसे होगा, CH2OH ऐसे होगा, ऐसे सारे ग्रुप्स होंगे और ये ऐसा होगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी तरफ होगा, टुवर्ड्स द रीडर होगा। सपना मैम इकोलॉजी की क्लास नहीं आती है क्या? बेटा मैं अभी ये टॉपिक स्टार्ट की हूँ, एक एक करके ख़त्म करेंगे सब कुछ, पहले मैं ये स्टार्ट की हूँ, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ख़त्म करूँगी, उसके बाद इकोलॉजी करूँगी। ओके प्रिंसू, 5' से 3', ठीक है, मैं 5' से 3' बता देती हूँ और एक बार, एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो जाए इकोलॉजी का, जैसे अब नेक्स्ट वीक, अभी जैसे आज था हम लोग का YTV2 फेस्टिवल था, तो मैंने पिछले बार पढ़ाया था फाइलोजेनेटिक ट्री इकोलॉजी का, ऐसे ही सोशल नेक्स्ट वीक में पढ़ाऊंगी लॉज जो है सारे, एलेंस रूल, बर्गमैन्स रूल, ये सारे रूल्स पढ़ा सकते हैं, नहीं तो मैं लॉ ऑफ टॉलरेंस पढ़ाऊंगी, तो ऐसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लास मैं दे सकती हूँ इसके लिए। मैम कंप्लीट क्लास मिल जाएगी क्या? किसकी? अभी जो मैं चला रही हूँ, मैं जो भी चलाऊंगी कंप्लीट चलाऊंगी, डोंट वरी, अभी जो चल रहा है डीएनए स्ट्रक्चर कंप्लीट चलेगा, लेकिन डीएनए स्ट्रक्चर के बाद मैं रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कंप्लीट कोर्स होगा, फिर अगर इकोलॉजी मेरा मन हुआ और आप लोगों की ज़रूरत अगर वैसी लगी तो फिर हम कर सकते हैं। मैम मैंने आपकी क्लास आज ही ली है, आज मेरा यूट्यूब में आज तो कंप्लीशन है, ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है, इसीलिए बस एक बार हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, अपने आप को फ्रेशन अप कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू से मुझे देख रहे हैं तो उन लोगों को आता है, कोई बात नहीं, आप सारे लेक्चर्स देख लीजिए, मैं इसका एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगी। मैम मैं नेट की तैयारी करना चाहती हूँ, बेटा नेट की तैयारी करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ और बाकी लोग हैं, आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस फ्री में मिल रहे हैं लाइव, तो आपको और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही है कि मैं ये सब पढ़ाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं इकोलॉजी पढ़ाऊँगी लेकिन हो सकता है ये मंथ के बाद पढ़ाऊँ, ये पूरा मंथ मैं डीएनए के स्ट्रक्चर रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे दे रही हूँ। इसी तरह से दूसरे एडुकेटर्स हैं हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और ऐप पे जो आपको इकोलॉजी पढ़ा सकते हैं, तो आप आराम से नेट की तैयारी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने बहुत सारे वीडियो अभी बनाए हैं, एक वीडियो में मैंने पैटर्न के बारे में बात किया है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर्स को चूज़ करना है और कौन से पोर्शंस को चूज़ करना है। ओके मैम कंप्लीट प्लेलिस्ट दिला दीजिए, ठीक है, मैं आज ही बात करूंगी मेरी टीम से, नहीं तो आप मेरे पूरे लेक्चर 1 से मेरे लेक्चर 11, टोटल लेक्चर 11 है, ठीक है, पढ़ाई के, आज लेक्चर 12 है रिवीजन का, कल लेक्चर 13 है प्रैक्टिस का, तो 13 लेक्चर्स में हम लोगों ने डीएनए स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा बेटा प्रिंसू,
फाइव प्राइम से थ्री प्राइम कहाँ है मैं बता देती हूँ, यहाँ पे देखिए, फाइव प्राइम से थ्री प्राइम का मतलब होता है ये दोनों स्ट्रैंड है, इसका फाइव प्राइम है, इसका थ्री प्राइम अगर है, इसका थ्री प्राइम है, इसका फाइव प्राइम है, इनको बोलते हैं एंटी पैरेलल या इनका पोलैरिटी डिफरेंट है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके पोल्स जो है वो अपोजिट एंड पे हैं। फाइव प्राइम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट शुगर है, ओके सपना थैंक यू, यहाँ पे जो फर्स्ट शुगर है आप पूरा देख सकते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह से धीरे धीरे हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। फाइव प्राइम का मतलब है जो फर्स्ट शुगर है उसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। फाइव प्राइम का मतलब है उस शुगर के CH2OH फिफ्थ कार्बन में, फिफ्थ कार्बन तो CH2OH है, फिर एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका इसका OH और इसका H चला गया वाटर मॉलिक्यूल बनके, इनके बीच में फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH नहीं बना यहाँ पे, देखिए ये OH और ये H चला गया, यहाँ पे O था, अब ये वाला O जो है वो इस CH2 के साथ अटैच्ड हो गया, CH2O CH2O P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O POH 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 तो ये जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यस ये है एक फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये नहीं है, ये फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं, ठीक है, जो दो शुगर के बीच में होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। मैं यहाँ पे प्रिंसू को या मैं जिनको फाइव प्राइम से थ्री प्राइम डाउट रह जा रहा है बार बार, मैं उनको क्लियर करा रही हूँ। फाइव प्राइम का मतलब है फर्स्ट शुगर जो है, अभी जैसा मैंने बनाया ना फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड, यहाँ पे CH2OH ये पहला शुगर है, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, अब इसके बीच में फॉस्फोमोनोइस्टर कैसे बनेगा ये तो आपको पता है कैसे बनेगा, इसका OH और इसका H चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बनके, तो फिर बचा क्या, CH2O P डबल बॉन्ड O OH OH, ठीक है। हाँ बेटा सपना, दो शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं, ये वाला है फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रब करती हूँ, सिलेक्ट हो जा, एनीवे देखिए आप समझ में आए आपको, ये इसको ऊपर वाला पोर्शन, ये रिएक्शन का ऊपर का पोर्शन है, ये देखिए फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे, ये एक ही ईस्टर है यहाँ पे, पी डबल बॉन्ड हो ओ ये एक ही ईस्टर है, ये फॉस्फोमोनोइस्टर है। फाइव प्राइम का मतलब होता है किसी एंड का, अगर फाइव प्राइम हम नाम दे रहे हैं किसी किसी शुगर का, किसी डीएनए का एंड में अगर फाइव प्राइम लिख रहे हैं, मतलब यही है कि उसका जो फर्स्ट शुगर है उसके फिफ्थ कार्बन के साथ में फॉस्फेट मॉलिक्यूल ने फॉस्फोमोनोइस्टर बॉन्ड बना के रह गया है। अब इसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे एक और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, फिर एक शुगर होगा, फिर एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा, फिर शुगर होगा, इस तरह से ये कहानी चलती रहेगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए फिफ्थ कार्बन जो है ये फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे देखिए एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लग के रह गया है फिफ्थ कार्बन में, इसलिए इसको नाम दिया गया है फाइव प्राइम। मैम यस मैम आ गया समझ में, यस वेरी गुड। अब देखिए ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इस तरह से चल रहा है। थ्री प्राइम का मतलब होता है ये अगर फाइव प्राइम है तो ये थ्री प्राइम होगा, थ्री प्राइम का मतलब होता है जो लास्ट शुगर है उसका थर्ड प्राइम पे OH फ्री है, फाइव प्राइम का मतलब है जो फर्स्ट शुगर है उसका CH2 यानी फिफ्थ कार्बन के साथ में फॉस्फेट अटैच्ड है, थ्री प्राइम का मतलब है लास्ट कार्बन का OH फ्री है, फाइव प्राइम का मतलब है फर्स्ट शुगर का फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच होके फॉस्फेट फ्री है। बस चेन बनती रहेगी, यस लॉन्ग चेन बनती रहेगी, यस वेरी गुड। आया समझ में प्रिंसू, समझ में आया। फिर यहाँ पे थ्री प्राइम का मतलब क्या है, ये पहला शुगर है तो पहला शुगर का OH फ्री है, फाइव प्राइम का मतलब क्या है, फिफ्थ कार्बन के साथ में फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच्ड है लास्ट शुगर का, इसलिए इन दोनों का नाम फाइव प्राइम से थ्री प्राइम और थ्री प्राइम से फाइव प्राइम नाम दिया गया है। और प्राइम का मतलब तो मैंने क्लास में बताया ही था कि नाइट्रोजेनियस बेसिस में भी कार्बन नंबर होते हैं, शुगर में भी कार्बन नंबर होते हैं, तो शुगर में जो कार्बन नंबर होता है उनको नाइट्रोजेनियस बेसिस के कार्बन से अलग करने के लिए शुगर के कार्बन को हम प्राइम से लिखते हैं, ठीक है। देखो सपना, देखो यहाँ पे तुमको क्लियर मैम, थैंक यू, ओके थैंक यू प्रिंसू। देखो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है कैसे बना था, यहाँ पे देखो, ये देखो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, देखो यहाँ पे डब्लू कुमार
राम राम बेटा। अच्छा देखो बेटा यहाँ पर देखो, ये एक शुगर है, इसका ये OH है, यहाँ पे ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ये कैसा है, ये कैसा है, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, यहाँ पे देखो ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल। फिर ये एक सेकेंड शुगर है, ये फर्स्ट शुगर का थर्ड पोजीशन का OH और इसका H चला गया यहाँ पे। अब इसी फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे एक शुगर के साथ अटैच हो गया, अब इस शुगर के साथ में फिफ्थ पोजीशन का OH और इसका H चला गया। तो इसलिए इसीलिए थैंक यू बेटा, इसीलिए ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाया, दो शुगर के बीच में है, ठीक है। तो दो शुगर के बीच में है उस इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल ने दोनों शुगर के साथ में एक एक मोनोईस्टर बॉन्ड बनाया, इसलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ईस्टर क्यों, ये मैंने अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले, आर पी डबल बॉन्ड ओ। देखिए ईस्टर का मतलब होता है आर पी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश ओ एच। तो पी डबल बॉन्ड ओ जो है ये हमारा ईस्टर, इसको सर्च करना है। ये देखिए यहाँ पे दो बार आ रहा है, पी डबल बॉन्ड ओ पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा दो बार फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और R और R डैश आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए, ये R है ये या R डैश है, जो भी यहाँ पे OH है, इसीलिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। सपना समझ में आया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजन बॉन्ड क्या है, ये वो सब मैंने समझाया था। अब आगे मैं बढ़ रही हूँ, ये सब मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन की हूँ, सारे वीडियोज़ में है। उज्ज्वल ओके थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेस इसके ऊपर कर चुके हैं, 11 क्लासेस कर चुके हैं, 2 आवर्स के, 1 आवर्स के, 1.5 आवर्स के। आज बस मैं रिवीजन करा रही हूँ, जो भी डाउट बच्चे पूछ रहे हैं उसको क्लियर कर रही हूँ मैं। तो रिवीजन और डाउट क्लियरिंग हो रहा है आज, कल प्रैक्टिस सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस है। शायद मुझे लग रहा है 1 बजे है, कल मेरी 2 क्लासेस है, 11 बजे है और 1 बजे है। मैं हर दिन शाम को 7 बजे क्लास लेती हूँ, लेकिन कल नहीं लूँगी क्योंकि कल सुबह ही क्लासेस हो जाएंगे, तो मैं संडे को भी नहीं लूँगी। मैं मंडे को फिर से शाम को 7 बजे आऊँगी और हम रेप्लिकेशन का पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे मंडे को शाम को 7 बजे से, और कल हम लोगों की ये वाली टॉपिक फिनिश हो जाएगी। और ये सब मैं लेनिंजर और वॉटसन से पढ़ा रही हूँ, वॉटसन का 7th एडिशन, लेनिंजर का 6th एडिशन, और उनका मैंने सब कुछ कवर कर दिया, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर्ड है। आप अगर सारे मेरे लेक्चर्स देखेंगे पूरा आपको समझ में आ जाएगा, 11 लेक्चर्स का टोटल कंपाइलेशन है। आज रिवीजन और डाउट क्लियरिंग है, कल होगा प्रैक्टिस, तो 1 बजे या 11 बजे, दोनों में से एक टाइम पे प्रैक्टिस है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद 1 बजे है, 11 बजे मोटिवेशनल एक क्लास है। फिर कल शाम को मैं नहीं करूँगी क्लास, और संडे को मेरा ऑफ है, मैं उस दिन क्लास नहीं करूँगी। मंडे को शाम को 7 बजे फिर से हम मिलेंगे, हर दिन शाम को हम 7 बजे मिलते हैं, ठीक है सपना। ओके थैंक यू ऑल ऑल, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्यों GC के बीच में और AT के बीच में ही शुगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, क्यों AC के बीच में नहीं बनता है, क्यों AC के बीच में नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे AC के बीच में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो A का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ पे ये C ड्रॉ किया है, ठीक है। A और C, मैंने तो आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, एक के पास हाइड्रोजन होना चाहिए अटैच्ड विथ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक FO और N, और दूसरे के पास कुछ भी एक हो चलेगा, वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हो, OF और N, उनके ऊपर बॉन्ड लॉन पेयर होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहा है उसका एग्जांपल देखिए। मैम क्विज कब होगा प्रियंका, कल क्विज होगा, क्विज बोल सकते हो, मॉक टेस्ट बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम लोग सॉल्व करोगे मुझे आंसर बताओगे, लेकिन तुम लोगों को फटाफट आंसर करना पड़ेगा, चुप होने से नहीं चलेगा। कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी इस टॉपिक के ऊपर, मॉक टेस्ट कुछ स्पेशल क्वेश्चंस अलग से, एक्सपेक्टेड टाइप के क्विज टाइप का मैं पूछूंगी, तुम लोग आंसर करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रिंसू मैम की वेरी वेरी नाइस क्लास, आप लोग सभी को जो है न्यू प्लेलिस्ट में देख लीजिए लेक्चर, यस यस थैंक यू प्रिंसू। तो देखिए यहाँ पे A और T के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए A की 6th पोजीशन में देखिए ये वाला इन्वॉल्व है, और 4th पोजीशन का ऑक्सो इन्वॉल्व है। तो ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि एक उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, और ये इस मॉलिक्यूल के पास एक कार्बन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है,
लेकिन यहाँ पे क्या है उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है जिसके पास लोन पेयर है, ऐसी सिचुएशन में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, इसके अलावा आपको लग रहा है कहीं पे और बन सकता है? देखिए खुद ही सोचिए, खुद ही सर्च कीजिए, क्या ए और टी के बीच में कहीं और बन सकता है? खुद सोचिए। इन दोनों के अलावा मैं यहाँ पे देखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है, लोन पेयर है, ये तो एकदम सही है, ये हमारा एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। क्या ये बना पाएगा? ढूंढते हैं। हाइड्रोजन है, एक चीज तो ठीक हो गई, दूसरी चीज क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ अटैच होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? कार्बन के साथ, विच इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम का लिस्ट है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरिन, क्लोरिन, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स है। तो यहाँ पे ये कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाया, यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। आ गया समझ में? वैसे ही ए और सी के बीच में क्यों नहीं बनेगा, वो देखिए सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच में ये देखिए, ये एक पोर्शन है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, हाइड्रोजन है और एन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी है, हाइड्रोजन और एन है, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ी बनेगा, क्योंकि एक के पास अगर हाइड्रोजन है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो दूसरे के पास सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दोनों के पास नहीं हो पाएगा, इन दोनों यहाँ नहीं बना पाएंगे बॉन्ड, यहाँ पे भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ही रिसीवर है। यहाँ पे भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सी के साथ अटैच्ड है। इस तरह से मैम ऐप पर क्विज होगा प्रिंसो? यस, नहीं बेटा ऐप पर नहीं होगा, हम यहीं पे करेंगे, क्योंकि कल ये फेस्टिवल के अंदर काउंट हो जाएगा। फेस्टिवल में हम लोगों को 30 मिनट्स का क्लास करने के लिए बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हम क्विज करेंगे तो थोड़ा लंबा चलेगा, तो हम यहाँ पे ही कर लेंगे कल, ठीक है। तो इस तरह से ए और सी के बीच में कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों जरूरी है? बेस पेयरिंग करने के लिए, मतलब ए टी के साथ ही पेयर हो, जी सी के साथ ही पेयर हो, ये स्पेसिफिसिटी और बेस पेयरिंग के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी है। लेकिन हेलिक्स की स्टेबिलिटी के लिए स्टैकिंग इंटरेक्शन जरूरी है। स्टैकिंग इंटरेक्शन में तीन चीजें आती हैं, वैंडरवाल्स, डाइपोल एंड हाइड्रोफोबिक। मैं ये सब समझा चुकी हूँ, पूरा क्लियर कर चुकी हूँ, और एक दिन अलग से भी क्लियर किया था, और उस दिन जब ये पढ़ाई थी तब भी क्लियर किया था, एक दिन अलग से बॉन्ड पढ़ा के भी क्लियर किया था मैंने, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहीं पर वो सारी चीज़ें हैं। शुगर पकरिंग क्या मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द, मतलब ये शुगर है, तो HOH CH2H ये सब आउट ऑफ द प्लेन है। तो फिफ्थ कार्बन का देखिए, फिफ्थ कार्बन जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, फिफ्थ कार्बन आउट ऑफ द प्लेन है। तो थर्ड और सेकेंड कार्बन में कुछ चेंजेस आते हैं, कैसे? थर्ड और सेकेंड कार्बन का, थर्ड और सेकेंड कार्बन जो है मैम कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? जैसे, अच्छा जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए मैं पूछूंगी द शुगर पकरिंग, नहीं, थ्री सी टू डैश एंडो इज फाउंड इन ए डी एन ए, बी डी एन ए, जेड डी एन ए, डी डी एन ए, आपको आंसर करना है। नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, ठीक है। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, फिर कहीं से मैं मॉक और इस टाइप का लेके आऊँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा है इस टॉपिक, ठीक है। तो शुगर पकरिंग में क्या होता है, ये जो फिफ्थ कार्बन है ये आउट ऑफ द प्लेन है, अगर इसी आउट ऑफ द प्लेन कार्बन के पास सेकेंड कार्बन चला गया, मतलब सेकेंड कार्बन प्लेन में न रह के उसके पास उठ के चला गया, तब उसे कहा जाएगा सी टू डैश एंडो। अब उसके पास चला गया तो सी टू डैश एंडो, उससे दूर चला गया तो सी टू डैश एक्सो। वैसे ही यहाँ पर फिफ्थ कार्बन के पास अगर थर्ड कार्बन चला गया, देखिए यहाँ पर उसके पास चला गया तो ये हो गया सी थ्री डैश एंडो, उससे दूर चला गया तो उसे कहा जाएगा सी थ्री डैश एक्सो। इसको बोलते हैं शुगर पकरिंग, पकरिंग मतलब होता है रिंकल बनना या फोल्ड होना। तो यहाँ पे तो फोल्डिंग आ रही है ना, किसकी? सी टू डैश की और सी थ्री डैश की, किसके कंपैरिजन में? फिफ्थ कार्बन के कंपैरिजन में। डिटेल में बता चुकी हूँ मैं, बस अभी रिफ्रेश करा रही हूँ, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में हमने देखा था, टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस मूवमेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला हाइड्रोजन हट गया, अगर हाइड्रोजन था तब ये अमीनो फॉर्म था, हटने के बाद ये इमीनो फॉर्म बन गया। यहाँ पे ये एक टाइप का टॉटोमेरिज्म है, अमीनो टू इमीनो। फिर एक टॉटोमेरिज्म है कीटो टू इनॉल, कीटो में देखिए ऑक्सो ग्रुप है, लेकिन उसी के पास अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो वो इनॉल ग्रुप होता है। तो टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोजन जो होता है एक्सचेंज होता है, अगर
एक ग्रुप यानी कि ये वाला साइटोसिन के पास हाइड्रोजन पहले था, अब नहीं है, उसने दे दिया, तो वही साइटोसिन अब इम्यूनोफॉर्म में है जो कि इसका टॉटोमर है। तो मैंने पूरा डिटेल पढ़ाया है, आप उसको देख लेंगे। टॉटोमरिज्म हमने देखा था, माइनर बेसिस के बारे में हमने देखा था, जो मेजर बेसिस होते हैं उसी में ही अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो माइनर बेसिस बन जाते हैं। तो हमने देखा था यूकैरियोट्स के केस में साइटोसिन के को हमेशा मिथाइल कर दिया, मिथाइलेट किया जाता है मैक्सिमम पोजीशंस में। प्रोकैरियोट्स में एडेनाइन को मिथाइलेट किया जाता है, हमने ये सब देखा था। उसके बाद राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डीएनए देखा था। देखिए ये राइट हैंडेड डीएनए है क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड ऊपर है और ये स्ट्रैंड ऊपर चढ़ने के लिए इस डायरेक्शन में गया है, राइट हैंडेड डीएनए। लेफ्ट हैंडेड डीएनए में ये वाला स्ट्रैंड ऊपर है, ये ऊपर चढ़ने के लिए इस तरफ घूमा, इसलिए ये लेफ्ट हैंडेड है। यहाँ पे भी देखिए इस तरफ घूमा, यहाँ पे देखिए इस तरफ घूमा। तो हमने राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड डीएनए देखा था, बेस फ्लिपिंग क्या होता है देखा था, पीरियोडिसिटी क्या होती है देखा था, पिच देखा था, डायमीटर देखा था, मेजर एंड माइनर ग्रुप देखा था, दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और उसका और शुगर का जो एंगल, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जो एंगल होता है, यहाँ पे शुगर है ना, ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है, ये है 240 डिग्री, ये है 120 डिग्री। इसकी वजह से मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप बनते हैं। मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप के फिर हमने फॉर्मूला बनाए थे, ए डी ए एम ए एच ए, ये सब हमने देखा था, एक्सेप्टर डोनर मिथाइल ग्रुप, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, प्लीज़ वो सारे वीडियोज़ मेरे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हमने देखा था बॉन्ड्स के बारे में, तो हम बीच बीच में पढ़ते ही रहे हैं, वो भी देख लेंगे। फिर वॉटसन क्रिक मॉडल हमने देखा था, चारगाफ रूल देखा था, फिर ए बी एंड जेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, इसको प्लीज़ अभी आज देख लेंगे, और कुछ देखे ना देखे। ए डी एन ए, बी डी एन ए, जेड डी एन ए का डिफरेंस, क्योंकि इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। तो ये मैंने पढ़ाया था ए बी और जेड डी एन ए में डिफरेंस, ये सब सिखा चुकी हूँ मैं, कैसे याद रखना है। फिर प्रोपेलर ट्विस्ट क्या होता है वो समझाया था। फिर सीन एंड एंटी कन्फर्मेशन, सीन एंड एंटी ग्लाइकोसाइलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद देखिए ये दोनों टेबल आपके लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों टेबल को हो तो खा लीजिए, दो टेबल है, ये दोनों को स्क्रीनशॉट करके पूरा दिमाग में बिठा लेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखे थे डीएनए के, यहाँ पे देखिए आरएनए क्यों, आरएनए के पास क्यों 2' में OH होता है, डीएनए के पास क्यों 2' में H होता है, इसका रीज़न हमने देखा था। फिर यहाँ पे देखा था कि क्यों डीएनए के पास थाइमिन है और क्यों यूरासिल है आरएनए के पास, ये सबका रीज़न इस टॉपिक के अंदर आता है, नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर आता है, मैं ये सब पढ़ा चुकी हूँ, आप ये सब देख लेंगे। फिर डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, मतलब बॉयल करने से अगर एक सॉल्यूशन को डीएनए के डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने से उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, फिर उसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन कर्व में, मैं ये भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। फिर वही नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया था मैंने एक क्लास में, यूवी इंड्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से बहुत सारे थे। मैम बोर्ड में पढ़ाया करो। अच्छा बेटा, बोर्ड में पढ़ाने के लिए यहाँ पे हमें ऐसे ही पढ़ाने को कहा जाता है, बोर्ड पे पढ़ाने से आपको क्या नया लगेगा, ये तो आपको और भी अच्छा कलरफुल पिक्चर्स मिल रहे हैं देखने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी, ठीक है, ओके। फिर देखिए यहाँ पे फिर हमने देखा था कुछ ये नाइट्रस एसिड प्रिकर्सर्स की वजह से या अल्कालाइटिंग एजेंट्स की वजह से डीएनए में अगर कुछ चेंज आ जाता है उसको क्या कहते हैं, वो कैसे बनता है, ये सब पढ़ाया था मैंने। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए, फिर ये हमने दो क्लास में किया था, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, लिंकिंग नंबर क्या है, ट्विस्ट क्या है, रीत क्या है, ये सब देखा था हमने। फिर हमने देखा था लिंक एल के थीटा देखा था, फिर हमने क्या है ये, राहुल बेटा आज हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन या क्विज, आज हम लोग रिवीजन या डाउट क्लियरिंग क्लास कर रहे हैं। आज से मैंने पहले 11 लेक्चर्स लिए हैं, इस 11 लेक्चर्स में मैंने डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो आज बस उनकी प्रैक्टिस, उनका रिवीजन और डाउट क्लियरिंग क्लास चल रहा है। जिन्होंने लेक्चर सारे देखे हैं वो मुझे डाउट पूछ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, और अगर डाउट नहीं पूछ रहे तो मैं ऐसे सारा रिफ्रेश करा रही हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया है, क्योंकि कल एक टेस्ट होने वाला है इन सारे बच्चों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डीएनए स्ट्रक्चर पे, और मॉक टेस्ट होगा कल दिन में 1 बजे, तो 1 बजे की प्रैक्टिस चल रही है अभी, क्योंकि मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया है, कवर कर दिया है, वही मैं रिवाइज करवा रही हूँ।
जो डाउट पूछ रहे हैं उसको क्लियर कर रही हूँ, नहीं तो मैं आगे बोले जा रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब में, सब मिल जाएगा, 11 लेक्चर्स हैं। आज रात तक आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कीजिए, 11 लेक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ अलग होती है ऑफलाइन, ज़्यादा माहौल बनता है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, ऐसा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यही एक अवेलेबल फॉर्मेट है। ठीक है, फिर हमने रीथ क्या होता है, ट्विस्ट क्या होता है देखा था, सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होता है, सुपर कॉइलिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, ये सारी चीज़ें देखी थी। टोको आइसोमरेजेस क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कितने टाइप के हैं, कैसे काम करते हैं, वो देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था, ये देखिए इस तरह से काम करता है, ये सब चेक किया था। उसके बाद हमने पैलिंड्रोम और मिरर रिपीट, ये आज देखा, हूज स्ट्रीम पेयरिंग आज देखा। फिर हमने कल देखा था कि टोपो आइसोमरेज के एक्टिव साइट में टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड होता है, और ये अमीनो एसिड की वजह से ये डीएनए को कट कर पाता है। अगर टाइप 1 यूज़ किया है टोपो आइसोमरेज का, तो वो एक स्टैंड में कट करता है, तो एक ही टोपो आइसोमरेज बाइंड करता है। अगर दो स्टैंड में कट करना है तो वो दोनों तरफ से बाइंड करेगा टोपो आइसोमरेज, दो टोपो आइसोमरेज बाइंड करेंगे, और फिर वो कट करेंगे। देखिए कहाँ पे कट करेंगे, जहाँ पे कट करेंगे वहाँ से एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और फिर इसको नीक कहेंगे, इस नीक से दूसरे स्ट्रैंड को जो जिसको नहीं काटा है उसको पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पढ़ाया था मैंने सब कुछ। मैम एंडो एंड एक्सो वंस अगेन रिपीट प्लीज। ओके, तो इस तरह से मैंने पूरा वाइंड अप कर दिया है। आप लोग, आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जैसे एंडो एक्सो अभी बताया इसने, प्रिंसू ने पूछा, मैं बता देती हूँ, ये खाली स्लाइड है, यहाँ पे बना लेते हैं। तो समझ लो ये हमारा शुगर है, ठीक है, इसका OH और H, H OH, OH H और CH2OH, ये जो भी मैंने बताया बनाया ना, ये सब आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब अगर शुगर यहाँ है, एच ओ एच ऐसा है, एच ओ एच सी एच टू एच इस तरह से है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया। उसके बाद शुगर के नंबरिंग करते हैं। ये है कार्बन नंबर 1 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये कार्बन नंबर 5 है। अब हमें कार्बन नंबर 2 प्राइम और 3 प्राइम को देखना है, क्योंकि इन बॉन्ड्स पे आसानी से रोटेशन हो पाता है, ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूवेबल है, ठीक है। थैंक यू राहुल। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो है CH2OH, ये क्या है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये सारे आउट ऑफ द प्लेन है। अगर आपका ये प्लेन है, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, आपने इस पे शुगर अगर ड्रॉ किया है, एक्चुअली में वो शुगर अगर 3 डायमेंशन में है, तो उसके सारे HOH क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है बस, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मैं शुगर यहाँ पे ड्रॉ की हूँ, और यहाँ पे ये मेरा CH2OH है, ये CH2OH है, ये H CH2OH H, और यहाँ पे बाकी है, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड कार्बन पे ध्यान देना है। अगर सेकेंड कार्बन कहाँ होगा, प्लेन में है, ठीक है, थर्ड कार्बन भी प्लेन में है। अगर सेकेंड कार्बन उठ के ऊपर चला गया इसके पास, तो उसे बोलेंगे C2-endo। अगर वो नीचे आ गया तो उसे बोलेंगे C2-exo। वही थर्ड कार्बन अगर उठ के ऊपर चला गया, दैट विल बी कॉल्ड एज C2-endo। वो नीचे आ गया तो उसे बोला जाएगा C2-exo, बस यही है। इसको बोलते हैं शुगर पकरिंग। पकरिंग क्या है, फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, किसके पोजीशन, किसके कंपैरिजन में हो रहा है, फिफ्थ कार्बन के कंपैरिजन में, किसका हो रहा है, C2- और C3- का, C2-C3- या C2'-C3'। प्राइम क्यों कहेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्राइम, मैं उस डायग्राम में जा रही हूँ, तब तक आप सुनिए मेरी बात। प्राइम क्यों कहेंगे, मैंने आपको बताया था कि शुगर और नाइट्रोजेनियस बेसिस में दोनों में ही कार्बन एटम्स हैं, तो शुगर के कार्बन एटम्स को प्राइम से अलग रखा जाता है। अगर मैंने C2' बोला तो आपको पता चल गया कि मैम शुगर के कार्बन की बात कर रही है, ना कि नाइट्रोजेनियस बेस की, हो गया, इसलिए ऐसा नाम दिया गया। इसलिए बोला जाता है C2-endo, C3-endo, C2-exo, C3-exo, इसको बोलते हैं शुगर पकरिंग। रुकिए आ जाएगा, तो बहुत लंबा है ना, हाँ आ गया। देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर करती हूँ, फिर यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया वो समझेंगे। ये फिफ्थ कार्बन है आउट ऑफ द प्लेन, C2- ऊपर चला गया, C2-endo बाहर आ गया, C2-exo फिफ्थ कार्बन, C3-endo ऊपर चला गया, C3-exo बाहर आ गया, ठीक है, ठीक है प्रिंसू, समझ में आया। ए और बी डीएनए में क्या होता है और जेड डीएनए में क्या होता है, ये याद रखने के लिए मैंने कहा था।
हमेशा याद रखेंगे C2-endo जो है वो बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल होता है C2-endo। तो बी में, बी कन्फर्मेशन में C2-endo होता है, ए में होता है C3-endo, और इसमें C2-endo C3-endo दोनों हो सकता है। तो मैंने ये भी ए बी जेड वाली क्लास श्योर सब कर लेंगे, तब कल मेरे डाउट क्लियरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लास में आएंगे। तो इससे आपको सारे लेक्चर्स भले से ना देख पाएं, कुछ बेसिक लेक्चर्स देख लेंगे। जैसे मैंने आज सब कुछ ऑलमोस्ट रिवाइज करा दिया, लेकिन फिर भी अगर कोई सा क्लास ज़रूर देखना है तो वो है ए बी जेड डी एन ए वाला क्लास ज़रूर देखना है, वो पक्का देखेंगे। तो आप खुद ही सोचेंगे कि लास्ट फ्यू ईयर्स में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए। अच्छा प्रिंसू, समझ में आ गया? प्रिंसू समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से मुझे लग रहा है मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बोल दिया है फिर से। और आपको अगर प्लीज वंस अगेन, ओके कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर देखो मोस्ट लेक्चर बता दो। अच्छा इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स बेटा ए बी जेड वाला आप श्योर देख लेना मेरा वीडियो, ठीक है, ए बी जेड वाला पक्का देख लेना। इसके अलावा नाइट्रोजीनियस बेस मैंने एक दिन पढ़ाया था, वो वाला देख लेना, लिख लो आप। और उसके बाद देख लेना कौन सा बोलो तो मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप वाला क्लास देख लेना, ठीक है, और कौन सा बोलो तो नाइट्रोजीनियस बेस ये और टॉटोमेरिज्म वाले क्लास, ये चार क्लास आप पक्का से देख लें, ठीक है, जैसे हम कल क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। हाँ ये वाला पक्का देख लेना, इस पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या आप खुद ही खोल के देखोगे तो 2015 से लेकर 20 तक आपको 5-6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसके ऊपर, ए बी जेड के ऊपर। लेकिन एक्चुअली ए बी जेड क्या है, ये एप्लीकेशन है सारे वीडियोज के सारे। फिर भी आप ये चार देखने की कोशिश करना, शुगर का देखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आज समझा दिया ऑलमोस्ट, और वो बेसिक है, उससे क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन इन सब में से आता है, ए बी जेड, टॉटोमेरिज्म, नाइट्रोजेनियस बेस का स्ट्रक्चर और मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप। कोशिश करें सब देख लें, कल दिन में 1 बजे करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ प्रिंसु देखो, ये जो हमारा शुगर है इसका ये एच और ओ एच जो है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन है, बाकी कार्बन आइटम्स प्लेन में है, बाकी कार्बन आइटम्स प्लेन में, एच ओ एच आउट ऑफ द प्लेन है, एंड सी एच टू ओ एच ऊपर है प्लेन से। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो है ये हमारा सी एच टू ओ एच वाला कार्बन है, ये बाहर है प्लेन से, देखो ये, देखो ये कार्बन नंबर 1 है, सॉरी ये ओ है, सॉरी ये ओ है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, देखो बाकी सब तो प्लेन में है लेकिन ये प्लेन से ऊपर है, ठीक है। अब इसी के पास अगर सी टू डैश चला जाए, रोटेट कर जाए, क्योंकि सी टू डैश वाला और सी थ्री डैश वाला जो बॉन्ड है ना वो रोटेट कर सकता है, वो अगर रोटेट करके ऊपर चला जाए, प्लेन से ऊपर चला जाए, ऊपर चला गया तो उसका कहा जाएगा C2-endo, वो प्लेन से नीचे आ जाए तो उसे कहा जाएगा C2-exo। वैसे C3- अगर, या प्राइम, मैं डैश बोल दे रही हूँ आप प्राइम समझिए, अगर C3 प्राइम कार्बन है वो अगर ऊपर चला गया 5th के पास तो उसे कहा जाएगा C3-endo, वही अगर दूर चला गया 5th के तो उसे कहा जाएगा C3-exo। अब समझ में आया प्रिंसू? आया समझ में या और एक बार बोलना है? इस तरह से ऑलमोस्ट मैंने सब कवर कर दिया है, आप लोगों को कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए। हो गया ना क्लियर? हो गया ना ये C2-exo C2-endo? याद रखने वाली क्या बात है, C2-endo इज मोर स्टेबल, ठीक है, ओके प्रिंसू, ठीक है। तो आप और किसी को कुछ पूछना है, किसी और को कुछ पूछना है? मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप थोड़ा देख लेंगे अच्छे से, किसी को और कुछ पूछना है? मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है, और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? टॉटोमेरिज्म, ओके यहाँ पे है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन आइटम का एक्सचेंज होता है, कैसे, अगर पीएच बदल जाता है, अगर पीएच 7 है, फिजियोलॉजिकल पीएच है, तो साइटोसिन, ग्वानिन, यूरासिल, थाइमिन ये सारे
नाइट्रोजेनियस बेसिस उनके बेसिक स्ट्रक्चर में रहेंगे, लेकिन अगर पीएच चेंज हो जाएगा तो इनका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसे? साइटोसिन का ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, ये कब है, ये 7 पीएच पे है। एक सेकंड, मेरा चार्ज लगा देती हूँ, शायद खत्म हो गया, एक सेकंड। हाँ देखिए, कहाँ गया मेरा पेन। हाँ ये देखिए, ये है साइटोसिन का स्ट्रक्चर पीएच 7 पे। साइटोसिन में ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 4 है, सॉरी ये कार्बन नंबर 6 है, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये कार्बन नंबर 4 है, सॉरी रुकिए फिर से बनाती हूँ मैं। देखिए अगर पीएच 7 है तो सबका नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, पीएच बदलेगा तो उनका हाइड्रोजन आइटम का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइटोसिन का ये जो अमीनो ग्रुप है उसका ये हाइड्रोजन जो है ये एक्सचेंज हो जाएगा, हट जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। तो जो टॉटोमेरिज्म होता है उसमें हाइड्रोजन आइटम का एक्सचेंज होता है, दो तरह के टॉटोमेरिज्म होते हैं, अमीनो इमीनो और कीटो इनॉल। ठीक है, अमीनो मतलब NH2 ग्रुप है, इमीनो मतलब NH होगा खाली। तो क्योंकि पीएच बदल गया इसलिए साइटोसिन का ये एच चला गया और ये अब हो गया इमिनो फॉर्म में। उसी तरह से ग्वानिन है कीटो फॉर्म में, ये कीटो फॉर्म है ग्वानिन का, ये उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है, लेकिन पीएच बदल गया तो ये अब कन्वर्ट हो गया इसमें, मतलब पहले ऐसा था अब हो गया COH इस यहाँ पे, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो साइटोसिन अमीनो ग्रुप से इमिनो में कन्वर्ट हो जाएगा और ग्वानिन कीटो फॉर्म से इनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो इनॉल अमीनो इमिनो। अमीनो इमिनो कौन करता है, अमीनो इमिनो करता है साइटोसिन, कीटो इनॉल कौन करता है, ग्वानिन। कीटो इनॉल वही करेगा ना जिसके पास ये ग्रुप होगा। तो आपको ये चेक करना है कि किसके पास कौन सा ग्रुप है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा वो टॉटोमेरिज्म करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मैं एक जगह, सारे नाइट्रोजनस बेसिस को एक जगह रखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये है, रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे सारे नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं। देखिए ये क्या है, साइटोसिन, ये NH2 ग्रुप है, ये क्या है, ये अमीनो ग्रुप, ये अमीनो फॉर्म है इसका। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, ये आइसोमेरिज्म है, एक टाइप का आइसोमेरिज्म है, बस यही समझिए। ठीक है, ये अमीनो ग्रुप है, अब ये इमिनो में कन्वर्ट होगा क्योंकि इसके पास अमीनो ग्रुप है। ये देखिए यूरासिल में ये क्या है, ये ऑक्सो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, कीटो ही ऑक्सो भी कहलाता है, ये इनॉल में कन्वर्ट होगा, ये भी इनॉल में कन्वर्ट हो सकता है और ये इमिनो में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा टॉटोमेरिज्म करेगा, कीटो इनॉल करेगा या अमीनो इमिनो करेगा। ठीक है, और एक और यूरासिल जो है उसका देखिए, ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का, देखिए यहाँ पर ये ओ था खाली, पीएच चेंज हो गया तो वो ओएच बन गया, पहले ये ओ था फिर ये ओ रहा और पीएच फाइन और भी चेंज होने से यहाँ पे देखिए ये भी ओएच में बदल गया। तो दो जगह पे ओ था लेकिन यहाँ पे दो जगह पे ओएच हो गया। तो ये है लैक्टम, मतलब ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म को लैक्टम भी कहा जाता है यूरासिल के केस में। ये है लैक्टिन, ये हो गया इनॉल फॉर्म, है ना, कीटो इनॉल में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, ये हमारा इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है ना। तो ये हो गया हमारा कीटो फॉर्म, ये हो गया इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म को लैक्टम कहा जाता है, इनॉल फॉर्म को लैक्टिन कहा जाता है, और दो पोजीशन में इनॉल बन जाता है तो उसे कहा जाता है डबल लैक्टिन। यही है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म मतलब हो गया आइसोमेरिज्म है एक टाइप का, बस और कुछ नहीं, और ये पीएच पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया। ये ये वन है और ये वन है, बस ये याद रखना है नंबरिंग कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, ये वन है, ये वन है, ठीक है, चलिए ओके प्रिंसिपल, थैंक यू। चलो तो इसका मतलब मैंने और किसी को कुछ पूछना है, मैं और एक मिनट रुकती हूँ फिर मैं क्लास बंद करूँगी आज की। और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है, कल की क्लास के लिए प्रिपेयर होके आएंगे आप लोग ताकि हम अच्छे से डिस्कशन कर सकें। और किसी को कुछ बोलना है, और किसी को कुछ बोलना है,
मैम डेफिनेशन बता दीजिए टॉटोमेरिज्म की। बेटा टॉटोमेरिज्म हो गया, देखिए टॉटोमर्स आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और बस इतना ही। टॉटोमेरिज्म मतलब तुम बोल सकते हो द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन व्हेन व्हेन देयर इज अ चेंज इन पीएच, द एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस एंड दे कन्वर्ट फ्रॉम वन स्ट्रक्चरल आइसोमर टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल कीटो फॉर्म कन्वर्जन टू इनॉल एंड अमीन फॉर्म टू इमिनो, अमीनो इमिनो, यही है इसका डेफिनेशन। पीएच की वजह से जो नाइट्रोजनियस बेस है उनका स्ट्रक्चर में चेंज आ जा सकता है, आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए डन डन। तो आज की क्लास को हम बंद करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए, मतलब और किसी को कुछ बोलना नहीं है अब तो। चलिए कल कल मिलते हैं, कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट करेंगे, तो इस चैप्टर को कल ख़त्म कर देंगे। और फिर मेरी कल शाम को 7 बजे नहीं होगी क्लास, याद रखेंगे, और संडे को भी नहीं होगी। कल मेरी 2 क्लास होने वाली है, एक मोटिवेशन की क्लास होगी कि क्यों CSIR नेट आपने चूज़ किया, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसमें बताया जाएगा। कल की क्लास की टाइमिंग सुबह है, एक 1 बजे है, एक 11 बजे है, ठीक है। तो कौन सी कब है वो मैं भूल जा रही हूँ, मैं एक बार देख ही लेती हूँ कि आपको बता देती हूँ कौन सी कब है। अच्छा 5 जून को, यानी कि कल 11 बजे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड क्विज। 11 बजे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा वह पूछ लिया तुमने। और 1 बजे CSIR नेट चूज़ करने का क्या फ़ायदा है या क्यों आपने ऐसे करियर ऑप्शन लिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्लास है कल, और कोई क्लास नहीं होगी। और मंडे को शाम को 7 बजे फिर होगी, संडे को भी नहीं होगी, ठीक है।